प्रणाम गुरुदेव। आपने कहा था मैं जीवन में बहुत आगे जाऊंगा। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इन सबसे भी आगे गया होता अगर तूने मुझे ठीक से पढ़ाया होता। दूसरी क्लास में जब मुझे मुर्गा बनाया था तो क्या कहा था आपने? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। 100 मर्डर किए मैंने, किसी ने क्या उखाड़ा, बनिया ना एमएलए। कड़कती धूप में जब मुझे बिना कपड़ों के खड़ा किया था तो क्या कहा था? पेन की धार तलवार से तेज, और मैं तलवार के बल पे मिनिस्टर बन गया। सारी गलत चीजें सिखाई मुझे और फीस के नाम पे लूटा मेरे बाप को। मेरे बचपन को तूने खैनी की तरह रगड़ दिया। तूने आज तक जितनी फीस ली है वो आज सूद समेत वापस करेगा। ये टीचर नहीं फटीचर लग रहा है, इसे तो उकड़ू बिठा के कंधों पे एंकर लगा के सारी चला दे। मम्मी बचाओ। पापा, गुरुदेव अगर आपकी कही एक भी बात सही होती तो दोनों टांगों पे गए होते, लेकिन अब कंधों पे जाओगे। भैया, राम प्रसाद फिर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। अरे तो उसे बर्फ पे लेटा के सारी चला देना। पापा, गुरुदेव हाँ चले, तेरी थ्योरी क्लास खत्म हो चुकी है, चल प्रैक्टिकल कर। जब देखो तब धरने पे बैठ जाता है। किसी दिन मैंने धर दिया तो धरने लायक नहीं रहेगा। अरे मैं विकास कर रहा हूँ ना, अपना और अपनी फैमिली का। अरे जब पब्लिक को नहीं पड़ी तो तू क्यों परेशान हो रहा है? चल बता क्या चाहिए तुझे? तू जनता की दी हुई पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुझ पे इंक्वायरी बिठाऊंगा, तू चक्की पीसेगा जेल में। क्रोध होता है इंसान का शत्रु, शांति में ही क्रांति होती है। इसी बात पर तूने मेरी जांघ पे चिमटी काटी थी जिसकी वजह से मुझे बाल तोड़ हो गया था। अब जाओ उसे चिमटी काट। इतने प्यार से समझा रहा हूँ पर सुनता ही नहीं। अरे मुझे जेल भेजना चाहता है, तेरे पूरे शरीर में बाल तोड़ कर दूंगा। ए राम प्रसाद, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कहाँ से आई रे, जो टेंट में रेंट का आदमी लाकर मुझसे पंगा ले रहा है। पता है मेरे खिलाफ खड़े होने वाले के साथ मैं क्या करता हूँ? कंशन ऐसे किया जाता है। टेंट को देखो, लग रहा है शादी का टेंट है। तुझे देखो, लग रहा है दूल्हा चकाचक चमक रहा है। चल कर अंशन, देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। मैं भी नहीं रोकूंगा, लेकिन शाम को जब 6 बजेंगे सूरज अपनी गर्मी दिखाकर निकल लेगा। और जैसे ही रात के 8 बजेंगे लोग रुगान बन करके काल्टी हो जाएंगे, 9 बजे के बाद हम लोग पावर में आ जाएंगे। आधे घंटे के लिए हम पावर कट कर देंगे। ये जो तेरे पास लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है इनके पास बम हो, चाकू हो, बंदूक हो, तलवार हो, इनके माइंड पर तुझे मारने का भूत सवार हो और तू टपक जाए। बड़ा अच्छा आदमी था राम प्रसाद, प्रकाश नाम के आदमी ने उसकी जिंदगी अंधेरा कर दिया और उसको पकड़ कर घसीटा और फिर चाकू से घोप घोप के पहचानने लायक नहीं छोड़ा। जो तुझे मारेगा उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि वो बेरोजगार है और उसे बेरोजगार बनाने वाले हम हैं। मत भूल तेरी एक फैमिली है जो सोचती है कि तू आएगा आएगा, लेकिन तू लोटे में जाएगा। मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी नहीं। ये लो मेरे बाप, अपने हाथों से मुझे ये शिकंजी पिलाओ और अनशन खत्म करो। जो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उस प्राणे को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। थोड़ा ज्यादा हो गया।